कि हिंदुस्तान की सेना अब हो चुकी है और ज्यादा ताकतवर। हिंदुस्तान को मिल चुका है चिनूक का पावर। भारतीय सेना के पास अब है धनुष की शक्ति। पाकिस्तान की धरती पर आतंकी पालने वाले इमरान खान को डर सता रहा है। डर एक और हमले का। पाकिस्तान के पीएम का डरना लाजमी भी है, क्योंकि हिंदुस्तान की सेना की ताकत कई गुना बढ़ चुकी है। दुनिया भर में आतंकियों का काल बन चुका चिनूक हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान के आसमान में परवाज भरने पहुंच चुका है। दुनिया में बड़े बड़े और जटिल ऑपरेशन को चुटकियों में अंजाम देने वाला चिनूक हेलीकॉप्टर अब भारतीय वायुसेना का हिस्सा है, और इसी बात से पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। जब से भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मारा है, तब से पाकिस्तान में आतंक के आकाओं के हलक सूख रहे हैं। पाकिस्तान के जहन में भारतीय वायुसेना का खौफ सर चढ़कर बोल रहा है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली विमान के भारतीय वायुसेना में आ जाने के बाद पीएम मोदी का ये प्रण और मजबूत हो गया है कि हम दुश्मनों को उनके घर में घुस कर मारेंगे। अब ये कहते हैं ये तो चुनाव वाला खेल है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हमने पहली बार की तब कहां चुनाव था भाई? ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। हिंदुस्तान पहले ही कह चुका है कि आतंकी जहां होंगे वो उन्हें वहीं घुसकर मारेंगे। आतंक पर हिंदुस्तान की सख्त नीति का असर ये हुआ कि पाकिस्तान हवा में जरा सी आहट पर सहम जाता है। एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की जमीन खिसक चुकी है, और हवा में किसी भी विमान या हेलीकॉप्टर की आवाज उसे डराने लगती है। ऐसे में भारतीय वायुसेना के इस चिनूक हेलीकॉप्टर ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। चिनूक हेलीकॉप्टर का लोहा दुनिया मानती है। भारतीय वायुसेना के साथ इस हेलीकॉप्टर के आ जाने के बाद अब फौज का हौसला सातवें आसमान पर है। अब तक जिन दुर्गम स्थानों पर मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम देना मुश्किल होता था, अब वैसे ऑपरेशन को सेना आसानी से अंजाम तक पहुंचा पाएगी। इस हेलीकॉप्टर की खासियत की लिस्ट बड़ी लंबी है। बस इतना समझ लीजिए कि दुनिया के बड़े बड़े देश इस हेलीकॉप्टर की खूबियों के मुरीद है। चिनूक हेलीकॉप्टर डर बनकर पाकिस्तान के जहन में उतर चुका है। उसे चिनूक की ताकत सपने में डरा रही है। पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों को डर है कि किसी रात चिनूक उन्हें उनके घर में ही दफन ना कर दे। चलिए आप पाकिस्तान के डर का एक और कारण बताते हैं। ये कारण है हिंदुस्तान का शक्तिशाली धनुष। जी हाँ, सही सुना आपने, गोले बरसाने में वो फोर्स जितना दमदार, पहाड़ों पर तैनाती के लिहाज से वो फोर्स से एक कदम आगे। वो फोर्स की डिजाइन पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की ओर से विकसित देसी तो धनुष भारतीय सेना में शामिल हो चुकी है। धनुष का कोई सानी नहीं, दुर्गम इलाकों तक पहुंचकर दुश्मन को ध्वस्त करने की ताकत रखने वाले धनुष को चीन और पाकिस्तान से लगने वाली ऊंची पहाड़ियों में तैनात किया जाएगा। एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम और ऑटोमेटिक कमांड कंट्रोल सिस्टम से लैस धनुष रात में भी गोले बरसाने की क्षमता रखती है। 155 mm कैलिबर वाले इस तोप की फायरिंग रेंज करीब 40 किलोमीटर है। 1980 के दशक में सेना की ताकत बने बोफोर्स तोप के बाद उसी की दमखम वाला धनुष हाल के दिनों में तीसरी तोप है जिसे सेना में शामिल किया गया है। इससे पहले K9 वज्र और M777 होविट्जर तोपों को शामिल किया गया था। कुल मिलाकर पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों को भी पता चल चुका है कि चाहे दिन हो या रात, भारतीय सेना कभी भी किसी भी वक्त उनके मंसूबों को दफनाने उन तक पहुंच सकती है, क्योंकि हिंदुस्तान की ताकत दोगुना बढ़ चुकी है।